गूगल स्कॉलर की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और ग्रीन लाइफ स्टाइल एंड इंटरनेशनल मार्केट ग्लिम, ये जर्नल डेडिकेटेड टू दी फैशन, डिजाइन, आर्ट्स, विजुअल एंड फोटोग्राफी, पेंटिंग्स लाइक दैट, ऑल रिलेटेड जो डोमेन है, रिसर्च के डोमेन है, उन आर्टिकल्स को सबमिशन के लिए एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ अभी स्टार्ट किया है, और इसमें जो है अभी देख सकते हैं आप गूगल स्कॉलर के अंदर 3 आर्टिकल अभी जो है जो पब्लिश किए हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं। और इसी रेफरेंस में यहाँ आज मैं गूगल स्कॉलर के बारे में आपको बताऊंगा कि गूगल स्कॉलर में आप किसी भी आर्टिकल को कैसे इंडेक्स कर सकते हैं इन दी शॉर्ट फॉर्म, राइट। तो अगर आपके पास में कोई भी अपनी एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के अंदर आप अपना जो भी आर्टिकल है, सपोज किया आपका ये कोई आर्टिकल है जो आपने पब्लिश किया है, और इस आर्टिकल को आप अगर जर्नल आपको अलाउ करता है, तो अपनी वेबसाइट पर आप इसकी पीडीएफ फाइल और अबाउट द आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट वो आप पुट कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जैसे सपोज किया ये आपके जर्नल या आपके जो वेबसाइट है, जर्नल नहीं, जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का ये यूआरएल है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपने उसको रखा है, उस आर्टिकल की डिटेल रखी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि अगर आपके पास में वेबसाइट है, तो ऑब्वियस है कि आपके पास में वेब मास्टर, जो गूगल वेब मास्टर है, उसके थ्रू आप गूगल सर्च कंसोल को यूज कर सकते हैं, और उस गूगल सर्च कंसोल के साथ में आपकी जो भी वेबसाइट्स हैं आप उसको वहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो किसी भी आर्टिकल को इंडेक्स करने का वे क्या है, तो ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर आप देख लीजिए कि वो आर्टिकल अवेलेबल है या नहीं है, उसका यूआरएल, आपका जो वेबसाइट है जहाँ पर आपने आर्टिकल को रखना है, आप उसको चेक करिए कि ये यूआरएल अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ से जब आप इसको लाइव यूआरएल को टेस्ट करेंगे, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो दिस पेज इज अवेलेबल ऑन द गूगल, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जो आर्टिकल है ये आप यहाँ पर गूगल स्कॉलर के अंदर देख सकते हैं। एट द सेम टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्रिएट द प्रोफाइल, माई प्रोफाइल, एंड इन दी प्रोफाइल सेक्शन ऑल्सो, ये अभी फर्स्ट जर्नल का है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, JPR के लिए, ग्रेजुएट जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च रिपोर्ट्स एंड रिव्यूज़, ये मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है, और इसमें ऑलमोस्ट जो साइंसिस या रिलेटेड जो डोमेन है उसके आर्टिकल एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो भी गूगल उसको इंडेक्स कर देगा इन टू दी गूगल स्कॉलर। सो दीज आर टू बेसिक सिंपल वे टू इंडेक्स योर आर्टिकल इन टू दी गूगल स्कॉलर। या तो आप गूगल स्कॉलर प्रोफाइल क्रिएट की किसी भी मेल के थ्रू करिए, और वहाँ मैनुअली जो है उसको आप एंटर कर सकते हैं, ऐड आर्टिकल्स मैनुअली, ऐसा ये जो लिखा है ऐड आर्टिकल मैनुअली। तो अब आप वो जो डिटेल है जहाँ पर आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जर्नल के सेक्शन में कॉन्फ्रेंस है, चैप्टर है, बुक है, थीसिस है, वट एवर द टाइप ऑफ दैट जो कंटेंट है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो भी वो यहाँ पर आपको गूगल स्कॉलर में दिखाई पड़ेगा आफ्टर फ्यू डेज, राइट। तो अभी ये तो यहाँ पे ऑटोमेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल करते हैं, जैसे कि ये ऐड आर्टिकल ग्रुप्स, ऐड आर्टिकल्स, ऐड आर्टिकल मैनुअली, राइट। तो यहाँ इस चीज को थोड़ा सा आप फोकस करिए कि ये ऑटोमेटिक ना कोई भी आर्टिकल अपडेट कर पाए, राइट। तो ये सब कुछ जो है वो आपका जो है वो मैनुअल वे में रहे। तो जैसे अगर ऑटोमेटिक होगा, तो ये क्या होगा कि जैसे यहाँ साइंटिफिक जर्नल या इस तरीके से एक रिलेटेड पॉसिबिलिटी शो करता है, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल यहाँ पर कोई हुआ, या सिमिलर टू दी ऑथर हुआ, सो ऑल दोज बेसिकली इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल विद दी गूगल स्कॉलर।
तो अगर आपने इसको ऑटो मोड में रखा तो ये इन सभी आर्टिकल्स को जो है इंक्लूड कर लेगा, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एट ए सर्टेन स्टेज फॉर यू कि वो सभी के सभी जो है आप अपने आर्टिकल्स के लिए निकाल पाएं। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट द लिस्ट ऑफ आर्टिकल इन माई प्रोफाइल, नो दिस इज रिकमेंडेड बट यू डोंट नीड टू टिक दिस वन, ऑलवेज टिक दिस वन, डोंट ऑटोमेटिकली अपडेट माई प्रोफाइल, सेंड मी ईमेल टू रिव्यू द कन्फर्म अपडेट, सो ऑलवेज पुट ऑन दी मैनुअल मोड जो गूगल स्कॉलर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं, दे आर नॉट आइदर दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि वो इस प्रोसेस को उनका पता है या नहीं पता है, बट दे कीप इट ऑलवेज ऑन दी ऑटोमेटेड मोड बिकॉज इट इज रिकमेंडेड इट सेल्फ बाई डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर दी फ्रॉम द गूगल स्कॉलर, सो पुट इट एट ऑटोमेटेड मोड राइट बाई दिस वे, एंड इफ योर आर्टिकल इज अवेलेबल ऑन टू द गूगल, गूगल विल सजेस्ट यू, आइदर गूगल विल सजेस्ट यू और यू कैन एड मैनुअली एज आई हैव शोन यू एड आर्टिकल मैनुअली बाई दिस वे। सो दीज आर फ्यू वेज बाई दैट यू कैन एड योर आर्टिकल ऑन टू दी गूगल स्कॉलर राइट। अगर जर्नल आपका गूगल स्कॉलर के थ्रू नहीं अवेलेबल हो रहा है तो उस केस में आप पे अपना जो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है उस गूगल स्कॉलर प्रोफाइल के थ्रू भी आप अपने आर्टिकल को गूगल स्कॉलर में अपडेट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपके आर्टिकल की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स जो आपके आर्टिकल को जो है विजिबिलिटी के लिए फेवर करता है। इन एडिशन टू दैट देयर आर मैनी अदर थिंग्स बेसिकली जो रोल प्ले करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी जो आपकी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है, जो एक पीडीएफ फाइल है या वर्ड फाइल है, या वर्ड फाइल के थ्रू पीडीएफ फाइल को क्रिएट किया या लेटेक्स की फाइल है, उसमें कैसे आप उस फाइल का नाम, उस फाइल के अंदर आप ऑथर नेम्स और कीवर्ड्स को रख सकते हैं जैसे कि उसकी एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाए और कोई भी अगर उस पर गूगल को सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली दैट जो इंफॉर्मेशन है वो कनेक्ट होगी डेटाबेस के साथ में और आपका आर्टिकल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, वो दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ अभी टेक्निकल टर्म्स हैं रिलेटेड टू दी पब्लिकेशंस। ट्रेडिशनल रिसर्चर्स के लिए थोड़ा सा इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इमिडिएटली, और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपका अपना कोई गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन ए जेन्युइन वे राइट। तो बाय दिस वे एक्चुअली आपके आर्टिकल की विजिबिलिटी होगी तो ऑर्गेनिकली उसका साइटेशन इंक्रीज होगा इंस्टेड ऑफ मैनुपुलेटिंग दी साइटेशंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट बेटर। सो आपका कोई भी पॉइंट है तो मोस्ट वेलकम, और आप इसको कमेंट करके आप मुझको बताएं कि क्या पॉइंट आपको समझ नहीं आया और क्या पॉइंट को आप दोबारा चाहते हैं और क्लियरली कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किसी भी फाइल के अंदर उसका SEO कैसे करते हैं, उसका आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन। सो थैंक यू।